है मुंगेर से, तो बहुत ही दूर से आई है गिलास ब्रिज देखने के लिए। तो आपको क्या मिला गिलास ब्रिज में? तो हेलो गाइस, तौहीद मुस्तफ़ा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैं आया था गिलास ब्रिज घूमने के लिए राजगीर में, जो कि हालांकि नया नया बना है, तो वो हो गया है क्लोज। बोले तो टिकट ख़त्म हो चुका है और अंदर जाने नहीं दे रहा है। और जो आपको ये सामने दिख रहा है, ये है स्वर्ण भंडार और ये है गिलास ब्रिज। अगर आप लोग कहीं से भी आ रहे हैं तो स्वर्ण भंडार आइएगा। स्वर्ण भंडार के बगल में ही है गिलास ब्रिज, जो कि देखिए। और अभी टिकट वगैरह नहीं मिल रहा है, बहुत दूर दूर से लोग भी आए हैं यहाँ पे, उन लोग को भी नहीं दे रहे हैं। चलो, मैं तो नवादा से आया हूँ, हमें नहीं दिया टिकट तो कोई बात नहीं। पटना से भी लोग आए हैं, उनको टिकट नहीं दिया, तो सोचो कितना अफसोस है भाई। बहुत दूर दूर से लोग भी आए हैं, जैसा कि हालांकि दिखाता हूँ मैं आपको। भाई इधर आइयो, कहाँ से आए हो आप भाई? हम लोग तो पटना से आए हैं। तो ये देखिए पटना से आए हैं, तो ये देखिए पटना से आए हैं और हम नवादा से आए हैं। तो मुझे तो हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, चलो मैं नवादा से हूँ, नगीच का हूँ, ये पटना से आए हैं। और टिकट जो हो गया ख़त्म है ना भाई, पूरा क्लोज हो गया है। अब बहुत सारे, ये देखिए सब ग्रुप पटना का है, सब टोटल पटना का है, टोटल पटना का भाई लोग हैं। हाँ, तो टोटल पटना का है, इन लोगों को भी टिकट नहीं मिला। तो चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ, स्वर्ण भंडार जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ मैं स्वर्ण भंडार का। तो जो पटना के जो टिकट नहीं मिला, तो इनका भाई का भी चैनल है, इनका भाई का है ना, तो कौन सा चैनल है भाई? जी घोष्ट अमित, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। ब्लॉग डेली ब्लॉग बनाते हैं वो, फैमिली ट्रिप वगैरह सब कुछ। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है, जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अच्छा वीडियो है, तो ठीक है वीडियो में बने रहिएगा। तब तक के लिए आपको मैं स्वर्ण भंडार दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जब मैं स्वर्ण भंडार आया और बगल में ही गिलास ब्रिज है, तो ये जो मेरी फ्रेंड है ये आई है मुंगेर से, तो बहुत ही दूर से आई है गिलास ब्रिज देखने के लिए। तो आपको क्या मिला गिलास ब्रिज में? कुछ नहीं मिला, लेट हो गया। लेट हो गया और यहाँ का जो टिकट है 125 किलोमीटर आई, बट लेट हो गया, यहाँ टिकट फुल। और क्या है कि यहाँ पे ओनली फॉर लिमिट है कि 800 ही टिकट कटेगा, तो आप लोग जब भी आए तो सवेरे 2 बजे से पहले आए तभी जा सकते हैं, नहीं तो इससे पहले कोई उपाय नहीं। हाँ, और इससे पहले पटना के लोग भी आए तो वो भी वापस चला गया। हम भी तो आए नवादा से, तो हम भी तो नहीं घूम पाया हूँ मैं। तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा फील है, जगह ठीक है, बट लेट हो गया तो देख नहीं पाया, बट नेक्स्ट बार फिर आऊँगी। आइएगा ना, तो इंशाल्लाह मोस्ट वेलकम आपका है नालंदा जिला में। और नवादा होके जाइएगा तो इंशाल्लाह हमसे मिल के जाइएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू। तो चाचा जान से पूछूंगा मैं स्वर्ण भंडार के बारे में, पहले चाचा जान अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राम जी उपाध्याय हुआ, टूरिस्ट गाइड राजगीर। तो वीडियो में आप बने रहिएगा, अब पूछता हूँ मैं स्वर्ण भंडार के बारे में। तो चलिए आपको मैं स्वर्ण भंडार दिखाता हूँ अंदर का नज़ारा, तो वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा। ये देखिए गिलास ब्रिज तो राजगीर का क्लोज कर दिया है, टिकट वगैरह नहीं दिया है, लोग बहुत दूर दूर से भी आए हैं, पटना वगैरह बहुत दूर से, क्या बोले, बहुत लोग से सवाल नहीं किए, एक तो मिल गया बंदा तो वो बोला भाई मैं इतना दूर से आया हूँ, टिकट नहीं मिल रहा। तो चलिए आपको स्वर्ण भंडार दिखाता हूँ, बगल में ही है, यहाँ को टिकट वगैरह नहीं लगता है। ये देखिए सामने गिलास ब्रिज का था उस साइड, तो ये देखिए पहाड़ियाँ भी आपको मिलेगी, यहाँ की जानकारी देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, तो वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा। ये देखिए जानकारी दे रहे हैं, देंगे वो बैठे हुए हैं, जूमिंग करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए। तो फाइनली स्वर्ण भंडार आ चुके हैं, और जब भी आते तो चाचा को देखते हैं बैठते हुए। तो पहले मैं ब्लॉग नहीं बनाता था, तो रोचक नहीं था इन लोग के बारे में, बस देख लिया और चला गया। तो चाचा से आज पूछेंगे स्वर्ण भंडार के बारे में, क्या है नहीं है, है ना चाचा? तो बिल्कुल आप बताइएगा, बिल्कुल बताऊंगा। तो वीडियो में आप बने रहिए, अब पूछता हूँ मैं चाचा जान से। तो चाचा से मैं पूछता हूँ, बताइए चाचा जान। आप सबको मेरा नमस्कार। विद्यार्थीगण, नालंदा विश्वविद्यालय के तरह ये तो जंगल झाड़ी मिट्टी में ढका हुआ था, एशिया महादेश का द्वितीय विश्वविद्यालय हुआ नालंदा, प्रथम विश्वविद्यालय हो गया तक्षशिला जो पाकिस्तान में चला गया, और तृतीय विश्वविद्यालय हुआ विक्रमशिला जो भागलपुर में है। तो नालंदा में जो चाइनीज विद्यार्थी थे उनका नाम था फाहियान और हुइनसांग साहब, जब भारत भ्रमण यात्रा की है तो उनके भारत भ्रमण यात्रा के रिपोर्ट पर यहाँ की खुदाई में से 5 में लॉर्ड कनिंग हम मार्शल ने करवाया, तो 2 गुफाएं मिली, ये तो पश्चिमी गुफा हुआ, इसके बगल में पूर्वी गुफा है। अब इन 2 गुफाओं के बारे में ऐसा इतिहास चला रहा है, 2600 अपूर्व
इस मगध का जो राजा थे उनका नाम था बिम्बिसार, निपत्ति राजा बिम्बिसार। तो इसी को राजा बिम्बिसार का भंडार खजाना माना गया है। ये पश्चिमी गुफा के भीतर एक दरवाजे का निशान है और दरवाजे के पीछे ऐसा इतिहास है कि 3 माइल की लंबी गुफा है, क्योंकि बोर्ड पर आर्कियोलॉजिकल वालों ने इसका टाइटल लिखा है सोन भंडार। तो सोन का मतलब सुरंग होता है। इस पहाड़ का नाम हुआ वैभारगिरी और इस वैभारगिरी पहाड़ी के ऊपर में सप्तपर्णी गुफा है। सप्तपर्णी गुफा का अंडरग्राउंड रास्ता यहाँ तक बताया गया है और ऐसा बौद्ध साहित्य में स्टेटमेंट है कि जब भगवान बुद्ध का मृत्यु कुशीनगर में हुआ, उनके मृत्यु के 3 महीना बाद 500 भिक्षुओं का प्रथम बौद्ध महासंगीति सभा राजगिरी सप्तपर्णी गुफा के भीतर हुई और बौद्धों की 3 धार्मिक पुस्तकें लिखी गई, सुत्पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म मत्तत्री पिटक। उस समय मगध का जो राजा बिम्बिसार थे, तो इतिहास में ऐसा वर्णन है कि इसी सुरंग के भीतर राजा बिम्बिसार का भंडार खजाना छिपा हुआ है। जब ब्रिटिश का समय आया तो सामने वाली जंगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, लेकिन टूटा नहीं, दरवाजे को बंदा घूमकर रह गया। ब्रिटिश टाइम में ही कलकत्ते का निवासी जगदीश चंद बसु हॉट स्प्रिंग को टेस्ट किए तो वो ऐसा रिपोर्ट प्रकाशित किए कि इस पहाड़ के भीतर विस्फोटक पदार्थ है, गंधक, लोहा, फास्फोरस, अगर इसे छोटा सा डायनामाइट से तोड़ा जाए तो ब्लास्ट कर जाएगा, ज्वालामुखी फूटेगा, गर्म जल वगैरह बंद होने का उम्मीद है। इस भय से 1945 में लॉर्ड कर्जन, जो ब्रिटिश टाइम में गवर्नर थे, वो ऐसा कानून बना दिए विद्यार्थी जी कि प्राचीन स्थल को नष्ट नहीं कर सकते हैं, नष्ट करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इसके भीतर में एक लिपि लिखा हुआ है, लिपि के बारे में ऐसा इतिहास चला रहा है कि लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे, रीड एंड डिकोरेट करेंगे तो वो दरवाजा आप पे आप खुल जाएगी, लेकिन हकीकत जहाँ तक सच है वो लिपि किसी ने पढ़ा नहीं, संख लिपि नाम से जाना जाता है। गुफा के बाहरी भाग पर बारंडा थी, ये बारंडा 1934 के बिहार भूकंप में टूट गया। उसी भूकंप में इसके बगल वाली गुफा नष्ट हो गई, बुद्ध मंजिला है, प्राचीन जैन मंदिर है, क्योंकि जब यहाँ से राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र चली गई पटना, गुफाएं खाली पड़ गई, तो 1700 जैन मुनि भैरव देव यहाँ से जैन धर्म प्रचार का वर्क स्टार्ट किए और पूर्वी गुफा के दीवार पर जैन तीर्थंकरों का मूर्ति छपाया। प्रतिमा इस प्रकार है, पदम प्रभु अजीतनाथ और भगवान महावीर का, कुछ प्रतिमा खुदाई में नष्ट हुआ, 34 के बिहार भूकंप में बर्बाद हुआ, ओपन एरिया होने की वजह से नेक माइंड का लोग आते रहे, प्रतिमाओं को नष्ट किया, बर्बाद किया। उस समय इस मगध का प्राचीन नाम था गिरी ब्रज, तो गिरी का अर्थ होता है पहाड़, ब्रज का अर्थ होता है वासियों, यहाँ पर 5 पहाड़ियाँ हैं, 1 नंबर का नाम हुआ मेकुलगिरी, 2 नंबर रत्नागिरी, रत्नागिरी का प्रांत हुआ गिरधु, दैट वाज द मेडिटेशन सेंटर डॉक्टर बुद्धा, 3 नंबर उदयगिरी, 4 नंबर सोनागिरी और ये 5 नंबर व्यवहारगिरी हुआ। इसी 5 पहाड़ के भीतर ऐसा अनुमान है कि राजा बिम्बिसार का महल रहा होगा, लेकिन हमेशा प्राकृतिक आपदा भूकंप बता रहा, महल तो जंगल झाड़ी मिट्टी में दब गया, नया राजगिरी बस स्टैंड के पास फंसा हुआ है। तो विद्यार्थी जी अभी यहाँ पर जो रेड स्टोन पत्थर दिख रहा है ये तो प्राचीन है, ईंट और चूना सुर्खी वगैरह जो दिखता है ये सब तो भूकंप के बाद भारत सरकार ने प्रोटेक्शन सुरक्षा हेतु दिया है। दैट्स ऑल। तो चाचा का रोचक जानकारियाँ पूरी हो चुकी है और हमें बहुत ही पसंद आया चाचा का बोलने का तरीका और समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा था इनका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ऐसा रोचक जानकारी दी है। और स्वर्ण भंडार के बारे में चाचा जान ने बताए हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे बात, ये बिहार वासियों को सबको सुनना चाहिए, है कि ना चाचा? बहुत लोग को जानकारी नहीं है, जैसा कि मैं खुद बता रहा हूँ मैं, क्योंकि पहले आता था स्वर्ण भंडार, बस फोटो वगैरह खींच लिया, सेल्फी वगैरह खींच के फिर घर चला गया, रोचक नहीं करता था मैं। जब से मैं ब्लॉग शुरू किया हूँ तो सोचा चलो लोग को नई नई बातें बताएँ, नई नई जगह बताएँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, बाकी आपको गुफा का वीडियो वगैरह दिखाऊंगा तो वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और चाचा से ऐसी रोचक जानकारियां और हासिल आप करें। ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं इनके अंदर, ऐसी खूबियाँ हैं इनके अंदर कि हम इनके अंदर की जो खूबियाँ हैं पछाड़ नहीं सकते हैं। तो जब भी आप आएँ स्वर्ण भंडार तो चाचा जान से ज़रूर जानकारी लें और पूछें, तो वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा। तो आप लोग को मैं दिखाता हूँ फ्रंट कैमरा से स्वर्ण भंडार कहाँ का है, नहीं तो चलिए देखते हैं हम लोग अंदर का स्वर्ण भंडार। तो फाइनली हम लोग चाचा को लेकर जा रहे हैं अंदर दिखाने के लिए, मतलब क्या दिखाएंगे, ये दरवाजे जो हैं हमारे गुफे के अंदर स्वर्ण भंडार के, बताइए चाचा। हाँ ये है चाचा,
यहाँ काफी अंधेरा है, आवाज गूंजता है यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं आवाज गूंजता होटल। तो ये देखिए, ये प्लस नहीं है भाई, मोबाइल अपना जरा चला हुआ है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, मैं अंधेरा है और आवाज बहुत गूंज रहा है। हाँ विद्यार्थी जी, मैंने बाहर में जो स्टेटमेंट दिया वो इसी दरवाजे के संबंध में है, ये खजाने का मेन दरवाजा है। अच्छा, ब्रिटिश सरकार ने सामने वाली जंगला से जब टोक लगाया तो ये दाग होकर रह गया। अब ये दरवाजा खुलने का एक तरीका जो लिपि माना जा रहा है वो आगे देखा जाए। यही देखिए शिला लिपि है, इसी लिपि के बारे में इतिहास ला रहा है जी। कि हु विल रीड एंड डेकोरेट द डोर कैन बी ओपन ऑटोमेटिक, अर्थात ये लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे तो वो दरवाजा आप पे आप खुल जाएगी, जिस तरह अली बाबा 40 चोर में ओपन सिम सिम गाने से दरवाजा खुलता था, सेम जस्ट लाइक। अब आगे बढ़ते हैं, जब यहाँ से राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र चली गई पटना और कालांतर में गुफाएं खाली पड़ गई तो तीसरी चौथी शताब्दी एडी में, तीसरी चौथी शताब्दी एडी का मतलब होता है आफ्टर क्राइस्ट, अर्थात 1700 पूर्व, जैन मुनि भैरव देव यहाँ से जैन धर्म प्रचार का प्रकाशन किए और वो यहाँ के पत्थरों पर जैन तीर्थंकर का मूर्ति खुदवाए। अच्छा, देखिए माता नीचू में सिंह का चिन्ह, यहाँ भगवान महाविष्णु का प्रतिमा है, नीचू में 1.5 फीट गड्ढा हुआ। अच्छा, बारिश के पानी जमी हुई है, इस गड्ढे में पार्श्वनाथ और ऊपर में आदिनाथ का मूर्ति था कीमती पत्थर का, इसे निकाल कर भारत सरकार ने नालंदा म्यूजियम में रखा। बाहर गए, चलिए बाहर, हम लोग को बाहर मूर्ति देखना चाहिए। आवाज काफी गूंज रहा है, इधर आइए आपको दिखाता हूँ मैं, आवाज काफी गूंज रहा था। विद्यार्थी जी जी, यहाँ पर जो दो लाइन का शिलालिपि है, ये शिलालिपि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा पढ़ा जा चुका है जी। ये गुप्त ब्राह्मी है, स्क्रिप्ट है ब्राह्मी लैंग्वेज है संस्कृत, और ये उल्टा पढ़ा जाता है जैसा उर्दू में पढ़ा जाता है जी जी। इसका संस्कृत में अनुवाद इस प्रकार हुआ है, निवाण लाभाय तपस्वी योग्य सुख गुहे अरहंत प्रतिमा प्रतिष्ठते आचार्य रत्नम मुनि बैरदेवा 3rd century AD। तो अरहंत का अथवा तीर्थंकर, 3rd century AD का मतलब हुआ आफ्टर क्राइस्ट 1700 पूर्व, जब राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र चली गई, गुफाएं खाली पड़ गई, तो मुनि भैरव देव साधना मुक्ति परिनिर्वाण एवं जैन धर्म प्रचार के उद्देश्य से यहाँ के पत्थरों पर तीर्थंकरों का मूर्ति खुदवाए। जैसे यहाँ पर देखिए 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का प्रतिमा, इनके माथे को बस 7 सर्पों का फन था, प्रतिमा 34 के बिहार भूकंप में टूट गया जी। और गुफा के बाहरी भाग पर बारंडा थी, ये बारंडा भी 34 के ही बिहार भूकंप में नष्ट हुआ। इसी तरह का एक गुफा इसके बगल में है, वो 2 मंजिला है, जो कि 1934 के बिहार भूकंप में नष्ट हुआ। लोग काफ़ी अच्छे से सुन रहे थे, जैसा कि देख रहे हैं भीड़ वगैरह, लोग इधर जो दिख रहा है सब लोग सुन रहे थे, क्योंकि सब बाहर लोग से आए हुए हैं तो स्वर्ण भंडार के बारे में पता नहीं था। चचा जान पंखा पकड़ लीजिए आप, तो जानकारी सबको सुनकर अच्छा लगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और दोस्तों लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हर जगह का अपडेट देते रहता हूँ। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।